लोग यहाँ पर डेरिवेटिव समझेंगे और साथ ही साथ उसका इंटीग्रल क्या होगा वो भी समझेंगे। तो हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल। तो एक एग्जांपल लेते हैं वन, इसमें हम लिखते हैं डी बाई डी एक्स, यानी डिफरेंशिएशन हम लोग को करना है किसका, एक्स का पावर एन प्लस वन, ये पावर में है एक्स का पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन, मीन्स एक्स का जो भी पावर है उसको डिवाइड में भी हम लोग लिखे है। तो इसका क्या होगा आंसर, इस डेरिवेटिव का आंसर क्या होगा, इस डेरिवेटिव का आंसर होगा x का पावर n, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 क्या होगा, x के पावर n, ठीक है। इसी तरह से अगर इसका हम लोग इंटीग्रेशन करना चाहेंगे पीछे वाला मेथड के थ्रू, तो हम लोग मेथड नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट इसका इंटीग्रल लिखेंगे। मींस क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का जस्ट अपोजिट होता है, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n With respect to x, यानी dx, इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होगा, ये होगा, यानी x का पावर n प्लस 1, x का पावर n प्लस 1 by n प्लस 1, ओके। और बट इसमें और एक चीज होगा, क्या होगा, प्लस में c होगा। अब यहाँ पर हम लोग जानेंगे ये जो c है कॉन्स्टेंट वो कैसे आया, यहाँ पर क्यों लिखा गया, c का क्या वैल्यू हो सकता है, ये सब हम लोग जानेंगे। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे थोड़ा इसका स्टेप, कॉन्स्टेंट क्यों आया और उसका वैल्यू क्या होता है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ 4x, 4x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो हम लोग ये भी समझेंगे कि डिफरेंशिएशन इसका कैसे करते हैं, बस छोटा समझेंगे, जब हम लोग डिफरेंशिएशन का चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसको डीपली समझेंगे। तो 4x का डिफरेंशिएशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4x को पहले यहाँ लिखते हैं, x का पावर यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, x का पावर अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो हम लोग 1 मानकर चलते हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अगर x का पावर कुछ भी है तो वो पावर पहले आ जाता है मल्टीप्लाई में, मीन्स ये 4 लिख दिया, ठीक है। अब ये जो x का पावर 1 है ये पहले आ जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी यहाँ पर आ जाएगा वो इसमें मल्टीप्लाई में, यहाँ पॉइंट का मतलब है मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ये जो x है उसका पावर एक कम हो जाएगा, मीन्स x का पावर अभी 1 है और एक कम हो जाएगा, यानी 1-1 इक्वल टू x का पावर 0, और x का पावर 0 का वैल्यू क्या होता है, x का पावर किसी भी कांस्टेंट या फिर वेरिएबल का पावर अगर 0 हो गया तो उसका वैल्यू होता है 1, यानी कोई भी नंबर या कुछ भी हो उसका पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 है, यानी यहाँ पर हो जाएगा 1, और वो भी 1 किस में आएगा, इंटू में, ठीक है, इंटू में, ठीक है। अब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, 4 आएगा, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ 4x का वैल्यू होगा 4, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर ये है एग्जांपल 1, एग्जांपल 2 से समझते हैं थोड़ा और। एग्जांपल 2 में लिखते हैं डी बाय डी एक्स 4x प्लस 4, ओके, ये जस्ट ऐसे एग्जांपल ये है रैंडमली, इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऊपर वाले से आप समझ चुके होंगे कैसे निकालते हैं, तो जस्ट 4x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 4 आएगा, और ये जो प्लस है प्लस और 4 का डिफरेंशिएशन, अगर कोई भी कांस्टेंट में वेरिएबल नहीं है या फिर x नहीं है जिसके रिस्पेक्ट में किया जा रहा है वो इसमें है ही नहीं, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। फिर से समझ लीजिए, अगर किसी भी कांस्टेंट या फिर कोई भी वेरिएबल है उसमें x का वैल्यू नहीं है या फिर जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो नहीं है, यानी यहाँ पर x का वैल्यू नहीं है, तो क्या होगा, उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 मीन्स ये टोटल हो जाएगा 4, ठीक है। एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, एग्जांपल 3 में लिख रहे हैं डी बाय डी एक्स, यानी डिफरेंशिएशन करना है 4x प्लस 100, ओके, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 4x का डिफरेंशिएशन तो पहले ही हम लोग निकाल चुके हैं, क्या आएगा, 4 आएगा, प्लस 100 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अब 100 में कोई भी x का वैल्यू नहीं है तो इसका भी डिफरेंशिएशन 0 होगा, ठीक है। तो अब हम लोग इस तीनों एग्जाम्पल से क्या समझ रहे हैं, इसका वैल्यू 4 होगा, ओके, तीनों एग्जांपल से हम लोग ये समझ रहे हैं कि d by dx 4x, यानी 4x का डिफरेंशिएशन भी 4 होगा, 4x plus 4 का डिफरेंशिएशन भी 4 होगा, एंड 4x plus 100 का भी डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। अब इसके हम लोग इंटीग्रेशन से रिलेट करते हैं, अब हम लोग इंटीग्रेशन निकालेंगे, किसका निकालेंगे, 4 का इंटीग्रेशन निकालेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल 4, इंटीग्रेशन ऑफ 4 किसके रिस्पेक्ट में, तो डी एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, ओके,
तो फोर का इंटीग्रेशन कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या वैल्यू आएगा? इसका वैल्यू आएगा, मीन्स यहाँ पर हम लोग समझ चुके हैं कि अगर डिफरेंशिएशन किसी का कुछ है तो उसका अगर इंटीग्रेशन निकालेंगे तो वही नंबर आएगा, यानी अगर फोर का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, फोर एक्स आएगा। तो यहाँ पर फोर एक्स हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, फोर का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, फोर एक्स आएगा। जस्ट इसका एग्जाम्पल टू में हम लोग क्या लिखे थे कि अगर हम लोग फोर एक्स प्लस फोर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो भी क्या आएगा, फोर आएगा, यानी इसका वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं फोर एक्स प्लस फोर, ठीक है, मतलब फोर एक्स प्लस फोर का भी क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, फोर ही आएगा। और जस्ट लाइक इसका तीसरा एग्जाम्पल में हम लोग देखे थे फोर एक्स प्लस हंड्रेड, फोर एक्स प्लस हंड्रेड कैसे आया था, फोर एक्स प्लस हंड्रेड का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन किए थे तो फोर ही आया था, मीन्स अगर फोर का इंटीग्रेशन करेंगे तो फोर एक्स प्लस हंड्रेड भी आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ रहा है कि 4x भी आ रहा, 4x प्लस 4 भी आ रहा, 4x प्लस 100 भी आ रहा, 4 और 100 इसलिए आ रहा क्योंकि मैंने एग्जांपल में 4 और 100 लिया था, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अगर हम लोग किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन करेंगे, लाइक यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स 4x प्लस 2000, कुछ भी नंबर ले तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन 4 ही आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर 4 का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, फोर का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो आना ही है, इसके साथ कोई कोई भी कांस्टेंट आ सकता है, कोई भी नंबर आ सकता है, कोई भी नंबर जस्ट लाइक फोर, अगर फोर लेंगे तो फोर आएगा, हंड्रेड लेंगे तो हंड्रेड आएगा, टू थाउजेंड लेंगे तो टू थाउजेंड आएगा। इसलिए हम लोग उस नंबर को ना लेकर क्या लेते हैं, एक कॉन्स्टेंट वैल्यू लेते हैं, उस नंबर को नहीं लेते, क्या लेते हैं, एक कॉन्स्टेंट वैल्यू लेते हैं और उसको इंटीग्रेशन का वैल्यू में उसको एड कर देते हैं लाइक दिस। तो ये क्या है, कॉन्स्टेंट है, इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, जो भी यूजर लिए, जो भी स्टूडेंट लिया है उसका, जैसे हम 4 लिए थे फर्स्ट सेकंड एग्जांपल में, थर्ड एग्जांपल में 100 लिए थे, तो ये कॉन्स्टेंट होगा, कॉन्स्टेंट, और इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए हम लोग इंटीग्रेशन निकालते समय उसका वैल्यू के आगे प्लस सी लिखते हैं, मतलब कि कॉन्स्टेंट।